हेलो स्टूडेंट, आपके सामने आज हम फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। जो बच्चे भी नए आ रहे हैं या जो बच्चे आज देख रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हों या हमारे भाई हों, हमारे फ्रेंड हों, कुछ भी हों, तो वो अब इस अगर उनको कैलकुलेशन नहीं आता है तो ये हम प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। एक हम कहने का मतलब एक हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं फास्ट कैलकुलेशन। तो फास्ट कैलकुलेशन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर सिखाएंगे और इसमें आपको सारी चीज़ें वो सिखाएंगे जो आपको कैलकुलेशन से जुड़ी होती हैं। ये सभी विद्यार्थियों के लिए हैं, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी करते हो, अगर आप कंपटीशन में हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक पीओ, चाहे आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तो आपको जहाँ पर भी मैथ्स में जुड़े हुए कैलकुलेशन आते हैं वहाँ पर काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आज हम जोड़ ही बता रहे हैं, जोड़ के दो चार छह पार्ट होंगे, क्योंकि आपका एक दो छोटे जोड़ एक अंक का, फिर दो अंक का, फिर तीन अंक, फिर दस अंक, तब पंद्रह अंक आप जोड़ सेकंड में बता देंगे। अगर आपका 4032 प्लस 2331, इसको आप जस्ट सेकंड में जोड़ देंगे, आपको कोई काई दहाई सैकड़ा इस तरीके से नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो वो सारा रूल भूल जाएंगे। उसके साथ ही साथ फिर गुणा भाग, फिर प्रतिशतता अनुपात, आपका बट्टा डिस्काउंट वाला, कहने का मतलब टोटल आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपका काम समय चाल समय, जितने भी आपके कैलकुलेशन जहाँ से भी आते हैं सारी चीज़ें। और जो बच्चे क्लास ट्वेल्थ में जा रहे हैं, जो आपके 10 की पावर होती हैं, जो डेसिमल वाली आपके गुणा भाग होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको हल आपको सेकंडों में आने लगेंगी। इसलिए पूरा पूरा वीडियो पहले देखिए, आज इसमें चीज़ें समझिए, ये चीज़ें हम क्या लिख के बैठे हुए हैं, इनको आप पहले हम बेसिक से समझाते हैं, आराम से समझिएगा, बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, अगर आप कैलकुलेशन करने चलते हैं तो आपको पता है कि कैलकुलेशन में हमें जो है कुछ संख्या मिलेगी, जिस जो संख्या होती है वो संख्या कोई ना कोई अंकों से मिलकर बनी होती है। आप देखिए, ये आपकी है एक संख्या, ये क्या है, एक संख्या है। अब ये संख्या अगर आप देख रहे होंगे तो 6 7 6 से मिलकर के बनी हुई है, इस संख्या से मिलकर बनी है 6 7 6 से। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 6, इसको 6 ना मान के हम इसको 0 मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, 0। तो अब देखिए, ये 0, ये 7, ये 6, 3 अंक की संख्या, 1 2 3 अंक की संख्या। इसी तरीके से इसमें से अगर आपको जोड़ने को बोल दिया गया कि आप इसमें जोड़िए 431, ऐसे जोड़ने को बोल दिया गया, तो आप इसको बहुत टाइम लगाएंगे, बहुत टाइम का मतलब आप इसको 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड कुछ टाइम इसमें लगाएंगे 10। तो यहाँ पर आपको जब ये सारा रूल आप सीख लेंगे ना फास्ट कैलकुलेशन में ना, इसको आप ऐसे देखेंगे और ऐसे आंसर दे देंगे तुरंत, इतना तेज देंगे, ऐसे देखेंगे बस जस्ट उत्तर आपका। तो ये ध्यान देना है कैसे इसको आपको समझना है, इसमें आप देख रहे हैं कि आपको अंक मिल रहे हैं, मतलब डिजिट मिल रहा है, इन्हीं डिजिट के साथ आपको खेलना है। और यही डिजिट आपके माइंड में ऐसे जैसे बोलते हैं ना गाना आपको याद हो गया होगा, सेम वही आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ें हम याद करने बैठते हैं ना वो चीज़ें हमें याद होती नहीं और बहुत भूलती हैं, समझ रहे बात को। जो चीज़ें हम याद करने की सोचते हैं वो चीज़ें हमें नहीं याद होती हैं, बल्कि जिस चीज़ को हम भूलने की कोशिश करते हैं वही हमें याद आता है, वही हमें याद आता है। जैसे अभी मैं बोलूं, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे भूल जाना है कि मुझे कल से बैट नहीं खेलना है, मुझे भूल जाना कल से क्रिकेट नहीं खेलना है, पर बार बार वही याद आएगा, वही याद आ, क्योंकि आपने दिमाग में ये बैठा रखा है कि हमें क्रिकेट नहीं खेलना है। अब आपके दिमाग में बैठ गई ना बात कि आपको क्रिकेट नहीं खेलना है, तो बताइए आपने इसको तो याद ही कर लिया ना, इसको तो आपने याद ही कर लिया कि हमें क्रिकेट नहीं खेलना। अगर यही चीज़ होता कि आप इसको ना ध्यान देते कि हमें क्रिकेट नहीं खेलना, इस पर आप जोर ना देते, इसको आप भूलना ना चाहते, तो ये शब्द ना आता, ये बात ना आती, मतलब जिस चीज़ को आप भूलने की कोशिश करेंगे ना वही चीज़ आपको याद हो जाता है। तो सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पर दिमाग लगाते हैं कि हम इन सब संख्याओं को अगर हम देख रहे हैं ना, इसको हम इसके साथ जब खेलेंगे, तो जब हम खेलेंगे तो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में ऐसे बैठती चली जाएंगी। दिमाग जो होता है किसी चीज़ को वैसे सेट कर लेता है, जैसे आप कोई गाना अगर याद करते हैं तो वो गाना आपको ऐसे याद होता है जैसे सुर लय ताल में चल रहा होता है, उसी तरीके से याद हो जाता है, उसी तरीके से सेम ये भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपको कि आपको देखना है की जो संख्या बनती है वो अंक मल्टी 0 से 9 तक के बीच की संख्याओं से मिलकर बनी होती है, यानी 0 के बाद 1 से लेकर के फिर 9 तक के बीच की संख्याओं से मिलकर के बना होता है। अब इन संख्याओं का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, यही चीज़ सीखना है आपको। ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर हम 0 में कुछ जोड़ रहे हैं, किसमें 0 में कुछ जोड़ रहे हैं, 0 में कोई भी डिजिट जोड़ें, 0 में आप कोई भी डिजिट जोड़ रहे हैं तो वही डिजिट हो जाती, उसका आंसर वही डिजिट आती है। मतलब अगर 0 में कोई अंक जोड़ रहे हैं तो उसका आंसर वही अंक आएगा जो अंक जोड़ रहे हैं, या फिर आप जिस अंक में 0 जोड़ रहे हैं तो वही अंक आएगा जिसमें आप 0 को जोड़ रहे हैं।
मतलब ये पता चल रहा है कि जीरो को जोड़ने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही संख्या में मिलती है जिसमें जीरो जुड़ रहा है, या जिसमें जीरो जुड़ रहा है, या जिस जीरो में जो जुड़ रहा है वही संख्या प्राप्त होती है जब हम जीरो की कहानी करते हैं। मतलब आपको पता है 0 1 1 ऐसे जुड़े, 0 1 1, 0 2 2, 0 3 3, 0 4 4, 0 5 5, 0 6 6, 0 7 7, 0 8 8, 0 9 9। अगर इसको हम इस तरीके से भी याद करें, 1 0 1, 2 0 2, 3 0 3, 4 0 4, 5 0 5, 6 0 6, 7 0 7, और 8 0 8, और 9 0 9, मतलब आपको जीरो मिल रहा है तो वही संख्या प्राप्त। मतलब 17 0 17, 18 0 18, 100 0 100, 0 155, 155, 0 58 58, 0 29 29, 0 35 35। ये देखिए दिमाग में बैठ गया ना बात को कि जीरो में खुद भी जोड़ेंगे। इसी तरीके से मेरे हमें सारी संख्या उसके ना, और आपको ये संख्या इतनी बड़ी संख्या जोड़ेंगे तो आपको पता कि बहुत मिला करके जोड़ेंगे। सभी यही संख्याओं से अगर खेल लिए ना तो आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को जोड़ लेंगे, याद रखना। और ये नहीं इसी से आपका काम नहीं चलना है कि यही पार्ट आप देख लेंगे काम, जितने मैं पार्ट लेकर के आऊँ 10 20 30 40 50 60, सभी पार्ट आप 2 महीने लगे रहिए इस पार्ट को देखने के लिए, आपको बहुत तेज आपका कैलकुलेशन होगा कि आप सेकेंडों में आप उसका आंसर बताने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कैसे इसको याद करना है पहले बताता हूँ। तो जीरो के साथ आपने खेल लिए, अब एक के साथ आप खेलिए इसको दिमाग। अभी मैं बोलूँ अगर आपको कोई चीज़, कोई आपसे अगर पूछ ले, कोई भी आपसे अगर पूछ ले इस तरीके से पूछ ले कि 9 1, तो आप बोलेंगे 10। अभी कोई पूछ ले कि 9 1 10, पक्का बोल देंगे। क्यों? मतलब आपको जोड़ने नहीं पड़ेगा, जैसे बोलेंगे 9 1 10 बोल देंगे ना। इसी तरीके से अगर आपको कोई पूछता है कि मान लीजिए पूछा जाए 5 5, तो बोलेंगे 10। मतलब आप जोड़ नहीं रहे हैं, आप उसको 5 5 10 जोड़ नहीं रहे हैं, आप उसको 5 5, बस आपके दिमाग में बैठ ही गया है कि 5 और 5 10 होता है। वो आपका दिमाग रीड कर गया है, वो आपके मेमोरी में सेव हो गया, बार बार तुरंत जैसे रिकॉल करते हैं तो अपने आप आंसर दे देता है। ये चीज़ आपको नहीं, ऐसा नहीं है कि आप इसको, आपको इसने जोड़ा, आपने इसको जोड़ा नहीं 5 5 10। अगर इसी जगह का अगर मैं बोलता इस तरीके से कि 3 4, तो आप जोड़ते। अगर इसी तरीके में बोलता 3 8, तो आप जोड़ते। अगर इसको मैं इस तरीके से बोल दूँ 8 3, तो आप जल्दी जोड़ लेंगे ना। अगर मैं बोलता हूँ 3 8, तो जोड़ेंगे, परंतु अगर बोलूँ मैं 8 3, तो जल्दी जोड़ लेंगे। क्योंकि आपको, आप ये नहीं चाहते कि आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का लोड लें। अगर 3 में 8 जोड़ाएंगे तो टाइम लगेगा, परंतु अगर 8 में 3 जोड़ाएंगे तो बहुत जल्दी जोड़ लेंगे। अब सोचिए कैसे जोड़ ले रहे, आप जोड़ नहीं ले रहे, आपका दिमाग केवल 3 संख्या को जोड़ना और जल्द से कैच कर लिया, यानी 8 में 3 जोड़े तो 8 2 10 1 11, आप कुछ दिमाग में बैठा करके जल्दी पहुँच जाएंगे। और 8 पर जब पहुँचना हो तो आपको दिमाग में बैठता नहीं, इसलिए आप इनको क्या करिए, पहले दिमाग में इन संख्याओं को आपको बोल बोल करके समझना है। 1 में आप जो जोड़ रहे हैं, दिमाग यही लगाइए, 1 में जो भी चीज़ें जोड़ रहे हैं, 1 में जो भी चीज़ें जोड़ रहे हैं, वो एक उन संख्या से 1 ज़्यादा हो जाएगी। पता है ना, 1 में जो भी चीज़ें हम जोड़ रहे हैं वो उस संख्या से 1 ज़्यादा हो जाएगी। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8, 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10। बात समझ में आई ना, 1 में जो भी संख्या जोड़ेंगे वो उस संख्या से 1 ज़्यादा हो जाएगी। यही तो कह रहा है ना, 1 को जोड़ो किसी में तो 1 जोड़ देंगे तो ज़्यादा तो होगा। मतलब इसको गाने की तरह आप रट डालिए, क्योंकि यही फायदा करेगा आपको। अभी समझ में आ रहा है कि ये क्या बच्चों वाला चीज़ बता रहे हो, बच्चों वाला चीज़ नहीं बता रहा हूँ। आप उंगलियों पर जोड़ेंगे तो ये आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे जोड़ रहे हैं, कितने फास्ट, वो चीज़ आपको दिमाग में बैठेगा। जिस दिन ना बैठेगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करवा रहा था। ठीक है, अभी से 1 को आपने इस तरीके से रटा, मैंने बोला कि 1 में कुछ जोड़ रहे तो उससे 1 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसका रिवर्स भी आप समझ सकते हैं कि 1 को हम जिसमें जोड़ रहे हैं, चाहे आप आगे जोड़े चाहे पीछे जोड़े, उस संख्या से 1 ज़्यादा होगा, उस संख्या से आप 1 बढ़ा लीजिए। जैसे मैं बोलूँ 8 1 9 9 1 10, 7 1 8 9 1, मतलब 1 जोड़ने में कितना ईजी बढ़ रहा है। देखिए 6 1 7, 8 1 9, 5 1 4, सॉरी 5 1 6, 6 1 7, इस तरीके से। अगर इसको मैं इस तरीके से बोलूँ 1 6 7, इस तरीके से भी जोड़ लेंगे। तो दिमाग में आप खेलना सीखिए, शब्दों को आप जितना दिमाग से पकड़ेंगे, इन संख्याओं को आप ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए कि आप जबान से जैसे बोले ना तो समझ गए। इसको आप जोड़ा बना के समझिए, क्या बना के चलिए, जोड़ा बना के समझिए।
अगर आप जोड़ बना के समझ लेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट हो जाएंगी, वो दिमाग में आपकी बातें फिट हो जानी है। जैसे देखिए कि एक के साथ आप सारी संख्याओं को ऐड करके देख लीजिए, फिर दो के साथ सारी संख्याओं को ऐड करिए, दो के साथ अगर ऐड करेंगे तो इसको रटिए, इसको आप रटना सीखिए। इस तरीके रटने का मतलब इसको आप दिमाग में खूब बोलिए कि दो एक तीन, दो एक तीन, दो दो चार, दो तीन पाँच, इस तरीके से दो तीन पाँच, दो चार छः, दो चार छः, दो चार छः, दो पाँच, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे क्रम से, दो पाँच सात, दो छः आठ, दो दो सात नौ, दो आठ दस और दो नौ ग्यारह। अब देखिए दो नौ ग्यारह जोड़ने में प्रलय हो रहा है। अगर बोला जाए कि नौ दो ग्यारह, आराम से बोल देंगे नौ दो ग्यारह, दो नौ कन्फ्यूजन। अब बोलिए, अगर कोई बोला ना नौ दो तो बोलेंगे ग्यारह, नौ दो ग्यारह, क्योंकि आपने नौ दो ग्यारह के आपने जोड़ा नहीं जोड़ा ना, आपके दिमाग में बैठ गया है। इसी तरीके से अगर आप दोनों जोड़ने लगेंगे, जिस दिन आप दोनों जोड़ेंगे ना, ग्यारह अपने आप आएगा, और जब भी दोनों बोलेंगे तुरंत ग्यारह आने वाला है आपका, पक्का आएगा 100% मैं लिख के देता हूँ। जिस दिन आप दोनों जोड़ने लगेंगे ना, उस दिन आपका ग्यारह अपने आप आने लगेगा। सात तीन दस, तीन सात दस वो भी होगा, लेकिन आप तीन सात जोड़ने में प्रलय हो रहा है। सात तीन बोले तो सात तीन दस जोड़ लेंगे। ये गलती किसकी है? ये हमारी गलती है कि हमने जो दो चार दस शब्दों को पकड़ लिया है कि सात तीन दस, पाँच तीन आठ, इस तरीके से जोड़ लिए हैं, इनको बहुत जल्दी जोड़ लेते हैं, लेकिन हमने कभी सारी संख्याओं से खेला नहीं और सारी संख्याओं को जोड़ा नहीं है आपस में, क्योंकि सारी संख्या हर एक अंक से जुड़ेगा ना। आपको पता है ना कि हर एक अंक से एक बार ना एक जिंदगी में तो एक आध बार तो मुलाकात होगी ना, मतलब हमेशा अपनी हर एक संख्या के हर एक अंक मिलते हैं। अब एक को क्या एक नहीं मिले, एक को जीरो नहीं मिलेगा, एक को जीरो मिलेगा, एक को एक भी मिलेगा, एक को दो भी मिलेगा, एक को तीन भी मिलेगा, एक को चार भी मिलेगा, एक को सारे डिजिट मिलने वाले हैं। दो को सारे डिजिट मिलेंगे, दो को वन भी मिलेगा, जीरो भी मिलेगा, थ्री भी मिलेगा, फोर भी मिलेगा, सभी मिलेगा। इसी तरीके फाइव को देखें, फाइव को सारी डिजिट मिलने वाली है, चाहे वन देखें, जीरो देखें, टू देखें, सभी मिलेंगी। तो जितने मिल रहे हैं सभी को आप दिमाग में बैठाइए। अगर हम तीन का शुरू कर रहे हैं, तीन में पता है जीरो जोड़ेंगे तीन ही होगा, और तीन में एक जोड़ेंगे तीन एक चार, इस तरीके जोड़ अपन दिमाग बैठेगा, तीन एक चार, इसके फिर तीन दो पाँच, ठीक है ऐसे जोड़ेंगे, फिर तीन तीन छः, फिर तीन चार सात, फिर तीन चार के बाद हम कहाँ पहुँचे थे, पाँच पर पहुँचे थे ना। इसी तरीके से इसको आपको क्रम बैठाना। देखिए मैं उस तरीके से भूल गया कि मैं कहाँ पर पहुँचा था, तीन का मैं पढ़ा था, हाँ तीन चार सात, तीन पाँच आठ, तीन छः नौ, और उसके बाद तीन सात दस, इसी तरीके जोड़ना है तीन आठ ग्यारह और तीन नौ बारह। अब तीन नौ जोड़ेंगे बारह, बहुत अगर इस तरह नौ तीन बारह, कितना ईजी है यार, कितना ईजी है नौ तीन, ठीक है। तो आप दिमाग में यही बैठा कर जानिए कि इन संख्याओं को आप पहले खूब दिमाग से अपने बैठा लीजिए। अगर आप ये कर लेंगे, अगर आप इस पर मेहनत कर लेते हैं एक दो दिन में, ज़्यादा नहीं टाइम लगे, एक दो दिन मेहनत कर लेते हैं, बाकी आप एक दो दिन मेहनत करेंगे उसके बाद जोड़ने लगेंगे अपने आप आने लगेगा, तो मान के चलिए आपका इतना कैलकुलेशन फास्ट होगा शायद आपने भी नहीं सोचा होगा इतना फास्ट होगा। बस यही संख्याओं से खेलना है। अब इसको आपको रख कि पाँच एक छः होगा, पाँच दो सात होगा, पाँच तीन आठ होगा, पाँच चार नौ होगा, पाँच 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 दस होगा, पाँच छः पाँच ग्यारह होगा। मैंने बोला छः पाँच ग्यारह, लेकिन पाँच छः कन्फ्यूजन। छोटी से बड़ी में जाने में जोड़ने में प्रलय हो रहा है, बड़ी से छोटी मैंने बहुत आई, तो इसको आप छोटी से भी सीखेंगे। पाँच सात बारह, पाँच आठ तेरह, पाँच नौ चौदह, इधर तरीके से भी जोड़िए और नौ पाँच इधर से भी जोड़िए, दोनों साइड से। एक संख्या को अगर आप ले रहे हैं तो दोनों साइड से जोड़ना सीखिए, दोनों साइड से इसको रटिए दिमाग में कि एक दो जोड़ें, एक दो तीन, दो एक तीन, इस तरीके से दो पाँच सात, पाँच दो सात, दो पाँच सात, पाँच दो सात, दो पाँच सात, पाँच दो सात, ऐसे भी हम उसको रिवीजन करें खूब अच्छी तरीके। इन सभी का रिवीजन अगर आप कर लेते हैं 100% आपको पकड़ में आ जाएगा। जैसे नौ दो ग्यारह, नौ तीन बारह, नौ चार तेरह, नौ पाँच चौदह, नौ छः सोलह पंद्रह, नौ नौ सात सोलह, नौ आठ सत्रह, नौ आठ नौ नौ अट्ठारह। या अब बात रही बार नौ वाली में, नौ वाली में आपको क्या करना है, नौ में जो भी संख्या जोड़ते हैं, नौ में जो भी संख्या जोड़ते हैं याद रखना, नौ में जो भी संख्या जोड़ रहे हैं उस संख्या को आप जोड़िए और उसको देखिए कि आपका नौ में एक जोड़ेंगे तब दस हो जाएगा, और उसके बाद जितना भी जोड़ेंगे उसमें से एक कम करके आप वो संख्या ले लीजिए। जैसे देखिए नौ में तीन जोड़ना है तो नौ में आप इसमें से निकाल दीजिए एक, तो नौ तीन में से अगर ये निकालेंगे तो दो बचेगा, मतलब नौ में एक कहाँ चला गया, दस बनने के लिए। नौ में का एक हम दस मिलाकर बना दिए, एक उसमें का हम तीन में का एक मिलाकर दस बना दिए, बचा दो, दो उसको बारह बना देंगे। इसे नौ सात
तो 9-7 को आपको इस नज़र से देखना है कि 9 में का एक जो है वो गया 10 में, बाकी बच रहा है 6, तो 9-7 16, 9-8 17, 9-9 18, बात समझ रहे हैं, 9-9 18, उस संख्या से एक अंक कम कर दीजिए। 7 है यहाँ पर, 8 है तो 17 कर दीजिए, 7 है 16 कर दीजिए, 6 है 15 कर दीजिए, 5 है 14 कर दीजिए, 4 है 13 कर दीजिए, 2 है 3 है 12 कर दीजिए, 2 है 11 कर दीजिए, 1 है 0 कर दीजिए, उस संख्या से आप एक कम कर दीजिए। दिमाग बैठ गया, इसमें बोलूँ 9 10 होगा और क्या होगा, क्योंकि एक जोड़े हैं तो एक को हम जीरो बना देंगे, 9 2 तो 2 नहीं 1 करना है, 9 2 क्या होगा 11 हो जाएगा। इसी तरीके से हम करेंगे तो सारी चीज़ें आपका सॉल्व हो जाएगा, सब स्टेप ये आपका हो जाएगा। अब रही बात आपको सवाल क्या कैसे करना है, इसको दिमाग बैठा, पहले हम इसको इसी तरीके से खूब रटना सीखेंगे, इसी तरीके से रटना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर बोल दिया गया कि 6 3 2 5 3 ऐसे, अब इतनी बड़ी संख्या को आपको जोड़ना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है, तो आपको क्या करना है, अब अगर इस तरीके से इसे बोला इन सभी को जोड़ो, मतलब इन सबके बीच में प्लस प्लस है, इन सबके बीच में इस तरीके दिमाग बैठाइए, देखते हैं ना, जो सेठ वगैरह होते हैं वो बहुत तेज इसको जोड़ते हैं, तो उनके दिमाग में वो क्या हो, गाने की तरह याद हो जाता है, अगर बोले 5 4 9 तुरंत आ जाएगा, 5 4 9 तुरंत आ जाएगा, 5 4 9 तुरंत आ जाएगा, 9 5 4, मतलब हम किसी भी तरीके से घुमाए तो उनके दिमाग में वो संख्या बैठी रहती है, इतनी बार जोड़ते हैं, इतनी बार जोड़े रहते हैं कि दिमाग में बैठ जाता है। उसी तरीके से आप जब इसको रखने लगेंगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ ही जाएंगी अपने आप। अब इसको जोड़ना सीखना है कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ जैसे 6 3 क्या करेंगे, तो दिमाग में बैठना कि 6 3 क्या होता है, 6 3 9, तो इसी तरीके से 6 3 9 9 2 11 9, ठीक है। अब इसी तरीके जोड़ने जाना है, अब यहाँ पर 5 है तो देखिए, अगर आपको दिमाग में यहाँ एक बैठने वाली चीज़ है, जैसे यहाँ पर जोड़ते हैं 6 3, ये हो जाता है आपका 9, और 9 में जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं हो जाता है 12, इसको क्या जोड़ते हैं 12। अब देखिए 12 में का आपको क्या करना है, दिमाग लगाइए, 12 में क्या आपको 2 लेना है, 12 में क्या आपको 2 लेना, तो देखिए इसमें हमने 2 ले लिया, 2 में हमें क्या जोड़ना है, 2 में हमें 5 जोड़ना है, तो 2 5 7 हो गया, ठीक है। 7 में हमें फिर से जोड़ना है 3 10, कितना हो गया 10, 7 3 10 हो गया, मतलब यहाँ पर जो हम 3 पर पहुँचे हैं यहाँ पर हमारा पहुँच गया 10। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर हमने 12 का 2 लिया था, यहाँ पर हमने 12 का 2 लिया था, ओनली 2 लिया था, ठीक है, ओनली 2 लिया था, और अगर इसको हम सब जोड़ भी लेते हैं तो देखिए 12 5 17 17 3 20 होगा। अब इसको भी आप जोड़ के देखिए, यहाँ पर आपने इसमें 12 में का 2 इसमें ले लिया था, यहाँ पर 12 का 2 इसमें लिया था, 2 इसमें का निकाल लिया था, तो आपने यहाँ पर 2 निकाल लिया था, तो आपका देखिए अगर आप 12 में से 2 यहाँ पर निकालेंगे, जो संख्या निकाल रहे हैं वहाँ पर आप 0 मान लोगे, अब यहाँ से 2 आपने हटा दिया, जो संख्या आपने हटाया वहाँ पर तो 0 मानोगे, 10 और ये वाला 10 आपका 20 हो जाएगा। कहने का मतलब ये आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए, ये आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए, ठीक है, यानी आपका वो 10 था, अगली वाली नेक्स्ट संख्या में हमें पता है नेक्स्ट वाली संख्या इसी क्रम से फिर चलेगी, ऐसे ही चलेगी। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं तो 12 में किनारे क्या है, 2 है ना, 2 है तो 5 2 5 क्या होगा, 7 ही तो होगा, 2 5 क्या होगा, 7 ही तो होगा, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 ही तो होगा, फिर एक कई फॉरवर्ड हुआ तो इसका मतलब हमारा 10 वहाँ था, फिर 10 10 20 हो गया, बस ये चीज़ें समझना। इसको आप इस तरीके से क्रम से इतना जोड़ना सीखिए, इतना जोड़ना इसको सीखिए कि आपके ये दिमाग में बैठ जाए, इतना बार आपको जोड़ना सीखना है कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, सारी चीज़ें आराम से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप रोक नहीं सकता है कोई की, आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता है, दिमाग में बैठाइए। जैसे मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और लिखता हूँ, ठीक है, अब इसको आपको जोड़ना है, इसको आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसमें आप जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना, अब ये ऐसा नहीं है कि आप इसको 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 ऐसे क्रम से करें, ऐसे कुछ नहीं करना, आपका यही स्टेप चलेगा। यही स्टेप कैसे चलेगा, देखिए मैं यहाँ पर भी जोड़ के बताता हूँ, सारी चीज़ें दिमाग में बस बैठाते चले जाइएगा, ये सारी चीज़ें कैसे बैठना है। जैसे देखिए अगर मैं इसको जोड़ने चलूँ तो ये कैसे होता है कि हम सबसे पहले 8 और 3 को तो हमने स्टेप यहाँ से समझा है कि 8 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, ये दिमाग में बैठा रहेगा, अगर आप इसको करेंगे तो 8 3 11 बैठा रहेगा, तो ये इसको पता है कि 8 3 11 हो जाएगा, पता है 8 3 11 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 3 जैसे यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमारा 11 हो गया, 11 का हम एक लेंगे मतलब 8 में जोड़ेंगे, 11 का हम एक लेंगे 8 में, उनको पता है, ठीक है, और ये चीज़ें अकाउंट में आनी चाहिए, ये चीज़ें हमें अकाउंट में आनी चाहिए, मतलब 11 हो गया, 11 में 8 जोड़ते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे, ये 10 हम इधर रख रहे हैं, इधर से हम 10 रखते जाएंगे, बाकी आप चाहेंगे तो 10 रख रख के बाद में ऐड कर लें,
या फिर हम इसमें भी ऐड करेंगे तो यही वाला फार्मूला चलेगा कि एक में आठ जोड़ेंगे, जब एक में आठ जोड़ेंगे तो नौ ही होगा, एक में आठ जोड़ेंगे तो नौ ही होगा, मतलब ग्यारह जहाँ था वहाँ पर उन्नीस हो जाएगा, ग्यारह जहाँ था वहाँ पर उन्नीस हो जाएगा, ये भी तो काम हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर उन्नीस हो रहा है, उन्नीस में नौ है और तीन, किनारे की संख्या देखिए, उन्नीस में क्या है नौ है और तीन है, नौ तीन ग्यारह होगा, नौ तीन क्या होगा ग्यारह, मतलब उन्नीस में हम तीन जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा इक्कीस हो जाएगा, क्योंकि नौ तीन ग्यारह हो जाए तो ग्यारह के फिर एक आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें चीज़ों को पकड़ के चलना है तो आपका आराम से होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम बढ़े कि हमारा यहाँ पर कितना, जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर हमारा कितना हुआ 19 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ था 19 हुआ है, ठीक है। और 19 में हम इसको ऐड करेंगे, 19 में हम जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। 19 में हम जैसे ही अगर हम तीन को जोड़ेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा, और 21 में हम फिर 6 जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए 21 में हम 6 जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारा, अब ऐसा है कि 21 में 6 जोड़ेंगे आपको टाइम लगेगा, 21 में 6 नहीं देखना है आपको, एक देखना है और 6, और एक 6 देखेंगे 7 होगा, मतलब यहाँ पर जहाँ पर मैं 21 था वहाँ 27 हो जाएगा, बस यही काम होगा 21 27 हो जाएगा। तो हमें किनारे किनारे वाली संख्या को देख के चलना है, वैसे वैसे संख्या को हमें देख के चलना है, पकड़ के चलना है, बातों को समझ के चलना है, ठीक है। तो आराम से आप जोड़ने लगेंगे, ऐसा नहीं, देखिए अभी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा बट इतना सरल ही होगा ना, कोई भी चीज़ अगर आप पहली बार सीखते हैं तो डिफ़िकल्ट ही लगता है, वो आपको डिफ़िकल्ट ही लगता है, वो कठिन ही लगेगा, लेकिन जब जैसे ही आप उसमें फास्ट होने लगेंगे ना तो आपको बहुत ही सरल लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अभी मैं इसलिए जुड़ा रहा हूँ ताकि आपको इसका रिवीजन हो, इसका रिवीजन जितना हो जाएगा ना उतना बड़ी संख्याओं को जोड़ने लगेगी, ये दिमाग में बैठा के चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पहुँचे आपने देखा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ये भी चाहता कि एक और छः को अगर मैं लेता तो यहाँ पर सात होता। अब जैसे देखिए सात है किनारे, यहाँ पर चार है, तो सात चार कितना हो जाएगा ग्यारह, मतलब आपको ग्यारह हो रहा है और आपका ग्यारह में पता है दस है, दस में हम बीस में फिर ऐड कर देंगे तीस हो जाएगा, और एक आपका वो हुआ है, यानी कि आपका यहाँ पर देखिए ये सात है चार है, सात चार ग्यारह होगा, सात चार ग्यारह, ग्यारह के एक को हम अलग बढ़ा देंगे, ये दस हम इसमें ऐड कर देंगे, किस में, इसमें, तो बीस दस कितना हो गया, बीस दस तीस नहीं हो गया, अब बताइए दिमाग लगाइए बताइए, बीस दस तीस हो गया ना, तो अब बताइए बीस दस, अब इसमें करते सत्ताईस चार इकतीस ही तो होता, सत्ताईस चार आपका इकतीस ही होता, तो बीस दस तीस नहीं हो गया है, और सात और चार का ये जो इसमें एक छोड़े हैं, इसमें का एक आपने छोड़ा नहीं है, एक आपने छोड़ा नहीं है, अब आपने सात और चार को जोड़कर तभी ग्यारह किए थे, सात और चार को देखिए यहाँ पर जो आपका सात और चार होगा, यहाँ पर सात और चार जोड़ करके ग्यारह किए हैं, तो उसमें का आपका इकाई वाला अंक आप हर बार ट्रांसफ़र करते रहिए, और दहाई वाले अंक को आप अगले में ऐड करते रहिए उसमें जीरो लगा करके। इसको मैं छोटा फार्म दिखाता हूँ, नीचे देखिए यहाँ पर आपका बासठ है, यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ पर छोटी संख्या लो ये, अब इसको ऐड करिए, ये जस्ट ए सेकेंड आपका ऐड हो जाएगा। देखिए पता है कैसे किया जाएगा कि आप इसको जीरो मान के चलिए, इसको भी जीरो मान के चलिए और इसको भी जीरो मान के चलिए, दिमाग में बैठाइए, ठीक है। इन दोनों को जीरो में, जैसे मैं साठ और दो यानी छः दो आठ, अस्सी हो गया, कितना हो गया अस्सी हो गया, और इसको मैं अलग जोड़ के चलता हूँ, दो और पाँच सात होगा, दो और पाँच मतलब ये क्या हो जाएगा सतासी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सतासी हो जाएगा, बात समझ में आई, समझ में आई, और बड़ा चलता हूँ, यही चीज़ इसमें यूज कर रहा हूँ, बस बात समझ नहीं, इसलिए मैं इसको भी अब बता के चलता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। इसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या लूँ, अब देखिए इतनी बड़ी न लूँ कि बड़ी ही हो जाए, थोड़ा नहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसको देखिए, अब इसमें देखिए इसको ऐड करना है, इसको आप सेकंडों में ऐड कर देंगे, देखिए चार और तीन मतलब चार और तीन सात सत्तर, पता है चार और तीन सात सत्तर, क्योंकि हमने इधर जीरो 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 छोड़ करके इसको मैंने जोड़ा है, इसको यहाँ पर जीरो माना है, यहाँ पर भी जीरो माना है, तो चालीस तीस सत्तर, यानी कि चालीस तीन नहीं जोड़े, मैंने चार तीन जोड़ा है, जीरो को तो जीरो की जगह पर रखा, मैंने बोला था जीरो को जीरो जहाँ पर जोड़ेंगे वैसे रहे। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला फॉर्म देखते हैं, तो सात पाँच आपका, अगर हम देखिए सात पाँच नहीं जाना, पाँच सात, ये दिमाग में आपको यार मैं इकाई इकाई अंक तो जोड़ रहा हूँ, आप दिमाग में लगाइए मैं कहाँ कहाँ ही अंक जोड़ रहा हूँ, दिमाग लगाओ मैं चार तीन, तो चार तीन आप इसमें देखो, इसमें देखो चार तीन कहाँ मिले, चार तीन सात हो रहा है,
और यहाँ पर मैंने एक अंक को छोड़ा है, इसलिए मैंने जीरो वहाँ पर बढ़ाया है ना, तो 70 तो हुआ, 4 × 3 = 7 हुआ, जीरो मैंने बढ़ा 70 हुआ। और यहाँ पर भी देखो मैं एक एक जोड़ो 5 और 7 जोड़ रहा हूँ, तो आप बताइए 5 और 7 जब जोड़ेंगे तो देख लीजिए 5 और 7 = 12 हो रहा है, 5 और 7 = 12 हो रहा है। आप दिमाग लगे 5 और 7 में जब 12 हो रहा है तो आप 12 में जो मतलब पता है 12 में आपको यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे 10 जोड़ेंगे तो ये 80 हो जाएगा, और 80 तो 82 हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना बात को, ये चीज़ें आपके दिमाग में कर लेनी है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से अगर आप जोड़ेंगे 7 × 5 = 12 = 2 + 4 = 3 + 7 = 8 ऐसे करते, परंतु आपका जिस दिन दिमाग काम करने लगेगा ना, आप इसको फास्ट करेंगे, इसको ऐसे करेंगे 4 × 3 = 7 + 7 = 12 तुरंत ऐसे करेंगे, ठीक है, 21 में ऐड कर देंगे ये वाला, 21 में ऐड करेंगे मतलब 80। अब इसको कैसे, ठीक है, ऐसे ऐसे इसको मैं देखूंगा, देखिए 4 × 3 = 7 और 7 × 5 = 12 इधर आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि आपका वो इसमें एक बच रहा है, इसमें क्या एक बच रहा है, एक बच रहा तो 8 करो, 7 × 1 = 8 कर दो, क्या दिक्कत है भाई, इसमें भी तो एक बढ़ रहा है भाई, ये भी तो हो रहा है कि जिस हमको पता है कि ये क्या है 12 है ना, ये 5 × 7 था, सॉरी मैं गलती से बोल दिया होगा, तो 5 × 7 कितना हो रहा है, 5 × 7 = 12 ही तो हो रहा है। तो जैसे इसमें आपने पहली संख्या, इसमें पहली संख्या ले, तो इसमें भी पहली संख्या लेंगे, 4 × 3 = 7 = 1 बस आपका ये 2 ऐड हो गया, 82 हो गया, क्या दिक्कत है। यहाँ पर और मैं लेता हूँ, देखिए इसमें एक संख्या भी ऐड करना बताएंगे, अब बताइए इसको कितने जोड़ने में आसान होगा, ठीक है, 8 × 4 = 12 आपको पता है, ठीक है, 8 × 4 = 12 एक अंक पे मैंने जीरो छोड़ा था, एक अंक छोड़ा था मैंने जीरो बढ़ा दिया, पता इसको अब दिमाग में बैठा के चलना था कि 8 × 4 = 12 और यहाँ पर 2 × 6 = 8 क्योंकि इसमें 2 अंक नहीं थे, आप 2 × 6 जोड़े तो 8, इसमें कहाँ 2 अंक है, एक अंक है तो एक अंक को ऐसे लिख दो, अगर आपका यहाँ पर 2 अंक होता तो मैं इसमें 10 लेता, 8 को तो मैं पीछे लिखता हूँ ऐसे, लेकिन इसमें 2 अंक नहीं, इसमें एक ही अंक था, इसलिए मैंने इसको लिया ऐसे ही। अब इसको आप जोड़ते तो 6 × 2 = 8 और 4 × 4 = 12 तभी तो वही आता ना, तभी तो वही आता। तो इस तरीके से आपको इसको इतने जितना रिवीजन करेंगे वो इतना ही आपका होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक अंक जोड़ना हूँ कि 6 और 67 इसको जोड़ना है, तो आप इसको कैसे जोड़ेंगे, फास्ट तरीके से इसको कैसे जोड़ेंगे, पहले आप इसको दिमाग बैठाएंगे कि फास्ट इसको कैसे जोड़ें, तो आप जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है, बताओ इसमें आपको दिक्कत कोई हो ही नहीं सकती है, बस आपको दिमाग में बैठाना है कि अगर इसमें इसमें 2 अंक है, जिसमें 2 अंक हो उसमें आप 0 बढ़ा लीजिए, इसमें इसको हम क्या बढ़ाएंगे, इसको हम 60 ही मान के चलेंगे, इसको हम क्या मानेंगे 60 ही मान के चलेंगे, जब इसको 60 ही मान के चलेंगे तो ये 6 और 7 है, अगर इसमें देखेंगे 6 और 7 = 13 होता है, तो इसमें 10 इसमें ऐड करेंगे और 3 उसको भी ऐड करेंगे, दिमाग में इसको 3 ऐड करेंगे, मतलब 6 × 70 = 70 × 3 = 73 मतलब इसको आप समझ लेंगे, 73 इसको हम समझ लेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको हम बताते रहेंगे, ऐसे ही इसमें एडिशन आपको अगले वीडियो में आपको अच्छी तरीके, पहले आप इसका अच्छी तरीके से फास्ट रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से इसका क्लास आप पहले आप इसको रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसमें हम आपको बता देंगे, उसका PDF इसका डाल देंगे, इसका स्क्रीनशॉट वहाँ पर डाल देंगे, कमेंट कर देना नीचे कि आपको इसमें की सारी क्लासेज, आपको एक बुक आती है आपको इंस्पेक्टर चालसा के नाम से जो मिलती है आपको, अगर देखेंगे तो उसके रहते हैं मोहित गोयल सर हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाते हैं, तो उनसे भी मैं सिखाऊँ तो आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बेसिक पकड़ बनाइए और आपका कैलकुलेशन तेज़ हो जाएगा धीरे धीरे करके, इसका कॉन्सेप्ट आपको 2 महीने 1 महीने में क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, ओके। फिर मिलेंगे अगली वीडियो, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।